आपके परिवार में समर्पण भाव कितना है, घर की व्यवस्था भी समर्पण भाव से बनी है कि स्वच्छंदता से बनी, बाहर जाने वाली बेटे को बाप कुछ भी नहीं सकता कि बेटा तू कहां जा रहा है, वो स्थिति आ चुकी है। बाप सिर्फ इतना ही बोलता है कि बेटा तू कहां जाता है, इतना तो एड्रेस देख के जा कि ताकि तू समय पे ना आवे तो मुझे पूछना तो नहीं, मैं जहां जाता हूं दौड़ता। सच बोलो, ये व्यवस्था ये माहौल बन रहा है, मैं जानना चाहता हूं बन रहा है। मैं आज भी क्रीड में बताऊं, हमारे वहां की व्यवस्था एक साधु भी बाहर जाता है मुझे पूछे बिना जाता नहीं है, और आपको मेरी व्यवस्था की बात बताऊं, आपके वहां गोचरी की रजा लेके मेरा मुनि गया, गुरुदेव में गोचरी जाता हूं, इस एरिया में जाता हूं, और आपके घर में ग्रह मंदिर है, और आप आग्रह करते हो मुनि भगवान की महाराज साहब मेरे घर में परमात्मा का मंदिर है दर्शन कर लो, और मुनि ना बोल देगा मैंने गुरुदेव से गोचरी की परमिशन ली है, दर्शन की परमिशन नहीं ली है। मालूम है तुम्हें, ये समर्पण भाव, परमात्मा का दर्शन करना वो पाप है क्या? नहीं, पाप नहीं, आज्ञा भंग है। वो गुरु को इतना ही कहके गया कि गुरुदेव मैं गोचरी लेने के लिए जा रहा हूं, और यदि उनको दर्शन भी करना है तो वो बोल के जा सकता है कि गोचरी लेने के वक्त शायद यदि किसी घर में मंदिर हो और दर्शन करने की विनती होगी, आप चाहे तो गुरुदेव में दर्शन कर सकता हूं क्या? और हां हो तो ही आगे जा सकता है। आज हमारी संस्था भी मजे से चलती है, इनका कारण यह समर्पण भाव है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, आपके घर का बेटा बाहर जाता है पूछ के जाता है? क्या हुआ क्या? क्या हुआ? सिचुएशन मारू बोली सिचुएशन। चलो इतना भी हुआ ना, अच्छा बता के जाता है तो भी वो सही बता रहे कि मोबाइल के जमाने में फिर वो भी लोचा मरता है। मोबाइल जब से है तब लोग झूठ बोले में पीएचडी बन गए। ये समर्पण भाव, आप अध्यात्म जगत में आगे बढ़ना चाहते हो उनकी बातें, आपका संसार तो अनंत काल से चलता और अनंत काल चलते रहेगा। यदि ये चार चीज आपको नहीं पसंद है तो ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण भाव चाहिए, और पांचवें नंबर में अनुराग चाहिए। अनुराग, अनुराग का अर्थ है राग से भी ज्यादा विपरीत अनुराग। जिन जिन व्यक्ति से मेरा आत्मकल्याण होने जा रहा है उनके प्रति मेरा जबरदस्त अनुराग हो, मुझे गुरुदेव के प्रति इतना जबरदस्त अनुराग था कि मां बाप साधु जी उनमें कभी याद नहीं आए, स्वाध्याय पर इतना प्रेम लेकर के बैठा हूं वी कथा पसंद ही नहीं है, आईबीएल पर इतना प्रेम है कि विष्ठान जमता ही नहीं है, अनुराग करते हाइट पे चले जाओ राग से भी ज्यादा। रुचि तेने पारुता और मान विजय मान ने यह शब्द लिखा है, अस्माद रुषाम प्रमादग्रस्ता नाम चरण करण हिना नाम अब्दो पोत प्रवचन राग शुभो पाए। भगवान हमेरे जैसे आचार्य को, आचार्य भगवान ने यह डिक्लेयर किया है, हमेरे जैसे कोई संसार से मुक्ति पाना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल है, फिर भी हमारा मोक्ष हो जाएगा क्योंकि भगवान हमें तेरे शासन पर जबरदस्त अनुराग।
पार्कर पेन आ जाए आपके हाथ में और बॉल पेन छूट जाए, वो पार्कर के प्रति अनुराग है। मैं जो कहना चाहता हूं वो समझ गए ना, आगे वाली चीज इतनी आपको प्यारी लगेगी इससे कमजोर चीज अपने आप से छूट जाए। गुरु भगवान इतने प्यारे लगे कि मां बाप छूट गया, संयम इतना प्यारा लगा कि संसार छूट गया। ये अनुराग यदि नहीं हो तो फिर राग रिवर्स में आता ही आता है। दीक्षा के बाद जिनको गुरु के अनुराग नहीं है उनको संसार फिर से याद आ जाएगा। ऊपर वाली चीज मिलती है तो नीचे वाली चीज अपने आप से चली जाती है। एक मैं बताऊं, एक त्याग होता है और एक त्याग करना पड़ता है, एक होता है और करना पड़ता है। करना पड़ता है वहां थोड़ा तनाव है और होता है उसमें आनंद है। आनंद धारावी की झोपड़पट्टी में रहने वाले आप, वर्ली में यदि कोई फ्लैट में आप जाते हो तो झोपड़पट्टी का त्याग करते हो कि हो जाता है क्या ना? हो जाता है, क्योंकि महाराज साहब ये जो छूटा वो तो मामूली है, जो मिला है वो इतना पावर भूले गए याद भी नहीं आता है महाराज। तो अनुराग का काम क्या है मालूम है? त्याग को आनंदपूर्ण बनाना वो अनुराग का काम है। त्याग को आनंदपूर्ण बनाना वो अनुराग का काम है। और जो मुनि भगवान जो संयमी के पास जो स्पिरिचुअल अध्यात्म जगत में प्रवेश करने वाले के पास अनुराग नहीं है उनका इस जीवन में टिकना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। आपका मेरे प्रति अनुराग 100% छोड़ यार, परसेंटेज तो बोल मत हमने यार, थोड़ी कसौटी करूंगा फिर। विपिन भाई चातुर्मान ले जा रहे हो माटुंगा नरेश भाई, मेरी जिंदगी में एक रथराम का चातुर्मास मैंने ऐसा देखा किरीट भाई, लोग क्या अपनी अपना अपना एक भाव बना देते ने, इट वॉज अ मिरेकल। 5 दिन के बाद एक लड़का मुझे मिलने के लिए, महाराज साहब एक चेक करना पड़ेगा यहां। मैंने बोला क्या? महाराज साहब हर रोज प्रवचन के बाद जितने भी लोग आते महाराज साहब सभी के बूट पॉलिश हो रहे हैं, करीबन 10 से 15 बूट पॉलिश और चप्पल पॉलिश करने वाले बैठ गए महाराज साहब। प्रवचन में आते वक्त तो महाराज साहब चप्पल बूट निकाल के आते और प्रवचन में जाने के बाद महाराज साहब हरेक के चप्पल बूट पॉलिश हो जाते। महाराज साहब बहुत प्रयास किया, ये रखा किसने? महाराज साहब 15 लोगों को जो बूट पॉलिश करने वाले को पूछा कोई जवाब नहीं दे रहे। महाराज साहब समझ में नहीं आते इनके पीछे है कौन और राज क्या है। पहली बार मैंने देखा कोई प्रवचन में आने वाले का बूट पॉलिश कोई कर देता होगा। अनारे भाई बड़ी मुश्किल से वो लड़का मिला और मैं उसको कमरे में ले गया ऊपर। मैंने बोला ये तूने व्यवस्था की है क्या? आंख में आंसू थे। माना साहब रोज प्रवचन में आने वाले सभी संघ के सदस्य को दूध के पैर दूध धोके में पैर दू दूध से, वो मेरी क्षमता भी नहीं है मेरी ताकत भी नहीं है। माना साहब रोज प्रवचन में आने की मेरी माना साहब मानसिकता भी नहीं है, इसका मैं व्यस्त हूं कि रोज प्रवचन में नहीं आ सकता हूं। और ये प्रवचन में आने वाले संघ जिनको परमात्मा खुद नमस्कार करते उनके पूजन का लाभ मैं लेना चाहता हूं, हर अनेक मजबूरी के हिसाब से ये पूजन नहीं कर सकता हूं। बहुत सोचा तब एक मन में भाव आया और एक बात बताऊं माना साहब, किसी के पैर का दूध से मैं पूजन भी करूंगा ना, आखिर तो वो चप्पल पहन के आता है, तो मुझे लगा कि पैर से तो अच्छी चप्पल है। और इसलिए हमारा साहब 15 बूट पॉलिश वाले को 4 महीने के लिए बुकिंग कर रखा है, जितने भी बूट चप्पल पहन के आप उनका सबका पॉलिश करना। हमारा साहब आपको रिक्वेस्ट करता हूं मेरा नाम कहीं गलती से भी ना जाए, ये लाभ मैं छोड़ना ही नहीं चाहता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं संघ के सदस्य के प्रति ये भाव, 15 बूट पॉलिश को 4 महीना उनको रख देना वो कोई मामूली बात नहीं है, ये है अनुराग की मानसिकता।